के माध्यम से एक तो केंद्र और प्रदेश मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार के द्वारा जो अनुसूचित वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है उस पर चर्चा कर रहा हूँ। लव जिहाद और धर्मांतरण पर भी लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। चूंकि जो 70-65 साल में अन्य सरकारों ने नहीं किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी जी के आने के बाद जो जनता को लाभ मिला है ये सीधे सीधे आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी संख्या में खटिया बतकही के माध्यम से खटिया बतकही के कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं तो इसका स्पष्ट प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी जी की लहर चल रही है और ये खटिया बतकही सिद्ध कर रहा है कि 2024 में पुनः देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और योगी जी का जो जलवा बुलडोजर बाबा का है वो कायम रहेगा। देखिए कौरव भी इकट्ठा हुए थे लेकिन कौरवों का कितना बुरा हाल हुआ था कोई बचा नहीं था। वही हाल ये होगा कि इस बार ये इंडिया का नामो निशान मिट जाएगा। अभी तो इंडिया इकट्ठा ही नहीं हो पा रहे अभी खाली भौंक रहे हैं और हमको लगता है इतना भौंकेंगे कि उनका पेट खराब हो जाएगा भाजपा की सरकार बहुमत से फिर बन जाएगी। केस की राय किस बताओ जतिया से बढ़ी के कुछ भाई बताओ आप लोग। हम तो ज्यादा खुश रही कि मातारी बहन की संख्या बहुत ज्यादा है तो और मातारी बहन पे बड़ा विश्वास है मरद लोगन पे तड़ी कम विश्वास है कि कहे कि साझी के अगर केहूस मिल गए गबराए गए तो कम गबराए गई है कौनों।